हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे एंड मटर का सालन। इससे पहले मैंने अंडे के सालन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और ये है कुछ अलग टाइप का अंडे का सालन। और इधर मैंने रख दिया है मस्टर्ड ऑयल हीट होने को, और बाकी यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू फ्राई किए हुए, एक तेज़पत्ता है, एक इलायची है, और ये है हल्दी का मसाला, अदरक और लहसुन, नमक मिर्च और धनिया, सॉरी नमक नहीं डाला अभी मैंने इसमें, और ये है चॉप किए हुए टमाटर, और ये है एक कटोरी मटर। मटर के सीज़न में अंडे के सालन में मटर ज़रूर डालें। और ये है चॉप्ड कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए। ओके माय व्यूवर्स, आई होप कि आप लोग का विंटर्स काफ़ी अच्छा जा रहे होंगे, और इस विंटर सीज़न में इस टाइप का अंडे का सालन ज़रूर बनाएं। और जिन जिन लोगों को अंडे का सालन पसंद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी का दाना, तेज़पत्ता और एक इलायची। इससे हम मसाले को बघार देंगे, थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपना हल्दी का मसाला। इसे अच्छी तरीके से भूनना है, बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया है और इसे मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ। थोड़ा सा इसे भूनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और उसके बाद ही इसमें नमक ऐड करेंगे। टमाटर के बाद नमक डालने से टमाटर जो हमारे होते हैं वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसका ये बेनिफिट होता है कि जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे तो जल्दी से भून जाएंगे और फटाफट हमारा सालन बनके तैयार हो जाएगा। इसे अच्छी तरीके से भूनना है देखिए। और अब हम इसमें साथ ही में चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे ताकि सब कुछ साथ में ही भून जाए। और ये है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, सॉल्ट, और अब इसे इसी अच्छी तरीके से भूनना है जब तक कि ऑल सेट ना हो जाए। ऑयल यहाँ पे सारा सेपरेट हो चुका है, लगभग क्या फुल ही हमारा मसाला भुन चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। मटर को थोड़ा सा गलाना है, थोड़ी सी मटर सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसमें आलू और अंडे ऐड करेंगे। ये मैंने मटर ऐड कर दी है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मटर हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने वही बाउल यूज़ किया है जिसमें मैंने मसाला बनाया था, और उसे ढक करके थोड़ा पकाएंगे। ओके, मटर अच्छी तरीके से गल चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू और अंडे। ये रहे आलू और अंडे, इसमें ऐड करेंगे। और जितनी ग्रेवी आपको पसंद है आप उतना इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। बस इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है और फिर गैस ऑफ करके कोरिएंडर से इसे गार्निश करना है। बस अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट आलू और अंडे और मटर हमारा पक रहा है, ये पक चुका है। बस मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ऑफ करने के बाद इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी, ये देखिए। और ये मैंने धनिए से गार्निशिंग कर दी। वाओ, ये दिखने में जितना टेस्ट लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्यूवर्स, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सालन आप लोग को कैसा लगा।